नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा पुलिस की एक और सफलता, चोरी और गुम हुए 200 मोबाइल फोन बरामद किए हैं और शुक्रवार को डीसीपी सिटी सूरज राय ने इन फोनों को मोबाइल स्वामियों को वापस भी किया है। फोन पाकर उनके चेहरे भी खिल उठे हैं। बरामद फोन की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा पुलिस की लास्ट एंड फाउंड सेल लोगों के गुम हुए या चोरी हुए मोबाइलों को खोज कर वापस करने का काम करती है। कमिश्नरेट आगरा पुलिस ने 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद सिटी सर्विलांस और जोन टीम ने मोबाइल बरामद किए हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि पुलिस ने चोरी और गुम हुए लगभग 200 मोबाइल बरामद किए हैं और मोबाइल स्वामियों के सुपुर्द भी कर दिए हैं। इस फोन की बाजार में अनुमानित कीमत करीब 40 लाख रुपये बताई गई है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल आज दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है और जब किसी का मोबाइल गिर जाता है तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सिटी सर्विलांस की लास्ट एंड फाउंड सेल द्वारा विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल चोरी और गुम फोन को ट्रेस करने का काम किया जाता है। इससे पहले भी कई बार सैकड़ों फोन रिकवर कर उन्हें वापस किए जा चुके हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट आगरा में समय समय पर हमारे सिटी सर्विलांस सेल में जो लॉस्ट एंड फाउंड सेल है वो गुम हुए लोगों के जो मोबाइल फोन गिर जाते हैं या गुम हो जाते हैं, इस तरह के मोबाइल फोन को हम समय समय पर रिकवर करके देते हैं। और एक बार फिर पिछले 2.25 महीनों के जो लोगों के गुम हुए मोबाइल फोन थे, लगभग 200 की संख्या में हमारी टीम ने बरामद करके आज हम जो उनके स्वामी हैं, ओनर्स हैं, उनको वापस कर रहे हैं। आप हम सभी जानते हैं कि आजकल के हमारे जीवन में मोबाइल फोन का कितना महत्व है और जो भी हमारे जो डेली की सुविधाएं हैं या बहुत आम तौर पर फैसिलिटीज, पैसे का ट्रांजैक्शन और तमाम सारी चीज़ें हम मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके खो जाने पर जनता को बहुत असुविधा होती है। तो जनता के हित को देखते हुए और ये लगातार कार्रवाई जारी रखती है और उसी के क्रम में आज लगभग कुल 40 लाख की बाजार की जो मार्केट वैल्यू के मोबाइल फोन हैं 200, वो आज उनके ओनर्स को वापस किए जा रहे हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।